बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहादराबाद टोसो रेस्टोरेंट के पास एक फ़्राइज़ कार्ट के पास मौजूद हूं और ये तुर्किश स्टाइल में फ़्राइज़ बनाते हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये किस किस स्टाइल में फ़्राइज़ बनाते हैं। ये है स्पाइसी कटर फ्लेवर, वालदा के हाथ का ये होममेड है और सारे मसाले होममेड है हमारे। ये अगवानी फ्लेवर है, ये भी वालदा के हाथ का होममेड है। और ये आ गया हमारा ग्रीन चिल्ली फ्लेवर, ये भी होममेड फ्लेवर है और इसका कॉकटेल बन जाता है सारे फ्लेवर्स का। इसमें आ गए फ्राइज, पहले हाफ ऑफ फ्राइज डालेंगे, ठीक है। इसमें भी हाफ फ्राइज और ये मायो है, होममेड मायो है, वालदा के आती है ये भी होममेड है जी। और ये इस पर टॉपिंग करेंगे स्पाइसी कटर की और इस पर कैप्सिकम आ गई, इसमें भी कैप्सिकम आ गई, ठीक है। और ये चिकन भी देख सकते हैं, ये होममेड ही चिकन है, बाहर का लिया हुआ बाजार का नहीं है। ये चिकन आ गई भरपूर, फिर दोबारा से मायो की टॉपिंग होगी इस पर। अब इस पर आएगी चीज स्लाइस, ये चीज़ आ गई। इस चीज़ के साथ हमारा पहला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप होगा, दोबारा से फ्राइज डालेंगे। दोबारा से फ्राइज आ गए लोडेड। ये दोबारा से मायो की टॉपिंग होगी इस पर, ये देख सकते हैं भाई। ये मायो होममेड मायो है हमारी, वालदा की आती है। ये स्पाइसी की टॉपिंग, दोबारा चिकन की टॉपिंग होगी। स्पाइसी की टॉपिंग आ गई, ये मायो आ गई दोबारा से। लास्ट टॉपिंग इसकी होगी मोज़रेला की, ये मोज़रेला चीज़ है क्रैश हुई भी। के बाद लास्ट इसकी है माइक्रो ओवन में जाएगा, ये देख सकते हैं। ये दूसरा माइक्रो ओवन में गया, इसी तरह रेडी हो, बस 2 से 3 मिनट लगेगी और इंशाल्लाह ये बाहर आ जाएगा बैक होके। ये हमारी वालदा हैं, वो हेल्प करती हैं। तकरीबन हमारा बाहर का लिया हुआ सामान बहुत कम होता है, होममेड चीज़ें होती है हमारी तकरीबन। और ये सबसे स्पेशल हमारा है यहाँ का अल्लाह तवक्कल हुमैर तुर्किश का सबसे स्पेशल डिश है ये तंदूरी मखनी फ्राइज। ऊपर से मक्खन की टॉपिंग रहती है, बटर की, ब्लू एंड बटर की टॉपिंग होगी। स्पेशल मखनी तंदूरी फ्राइज है इसका नाम, क्या 400 इसके प्राइस है। और चीज़ फ्राइज है हमारा 200 का, पिज़्ज़ा फ्राइज 250 का है, डबल चीज़ 300 का है, चिकन तंदूरी 350 का है, स्पेशल मखनी तंदूरी फ्राइज जो कि अभी रेडी करा है हमने, जो बेक होने गया वो 400 का है, सबसे स्पेशल। ये अच्छा सबसे स्पेशल जी। अच्छा तो आप बता रहे थे आपकी वहाँ भी है ब्रांच? जी बंस रोड पे फर्स्ट ब्रांच है इसको। तो बंस रोड पे कब से है? 1 साल हो गया बंस रोड पे जो ब्रांच है हमारी, यहाँ पे 2 मंथ्स हुए हमें जी।
नेक्स्ट क्रॉस कहाँ आप बता रहे थे? मज़ेदार अलीम के सामने है, 1 सेंटीग्रेड के बाहर। मज़ेदार अलीम के बिल्कुल सामने, 1 सेंटीग्रेड के बाहर है। अच्छा, तो वहाँ कौन होते हैं? वहाँ पे भाई होते, बड़े वाले। बड़े भाई जी। अच्छा, तो वहाँ कैसा है? वहाँ पे शुक्र है अल्लाह का, वो बेस्ट है जी जी, बहुत पुरानी है जी जी। और यहाँ कैसा है? यहाँ पे भी शुक्र है अल्लाह का बहुत अच्छा रिस्पांस है, मगर वहाँ पे जो रिस्पांस है वहाँ पे आपको एक मटके में कम से कम भी 20 से 25 मिनट लगेंगे। अच्छा, वो इतना क्राउड वहाँ पे होता है माशाल्लाह से। यहाँ भी इंशाल्लाह हो जाए, यहाँ भी इंशाल्लाह हो, यहाँ पे जी खूबसूरत लग रहा है जी जी। और इंशाल्लाह यहाँ भी, और आप देख सकते हैं खाली रेट नहीं है 400 का, ये 2% का है, ये 1% का नहीं है। लोग देखते हैं कि ये छोटी सी मटकी है, इसमें क्या फ्राइज आएंगे यार, 50 रुपये के फ्राइज आएंगे। लोग बस ऐसे ही बोलते हैं यार, ये बस थोड़े से फ्राइज डाल के दे देते हैं। ये आप देखेंगे, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2% के है, और लोडेड पेट भर के खा सकते हैं। ये नहीं बहुत आ गया इसमें, एक दफ़ा आपने भर के जी रखा, फिर दोबारा और टॉपिंग से डबल टॉपिंग होती है, बिल्कुल डबल चीज़ होती है, डबल मक्खन होता है इस पर, और अपना डबल चिकन लोडेड होती है, डबल फ्राइज डलते हैं, मायो डलती है, तो एक ये लोडेड हो जाता है। बस देखने वालों से यही कहेंगे कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत डबल है ये जी। तो डिटेल आपने इनसे सुनी कि क्या क्या वैरायटी है इनके पास और किस किस स्टाइल से ये फ्राइज बना रहे हैं, तो मैं भी चेक कर रही हूँ। मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।